हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी स्टार्ट एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9, अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, पॉलीनोमियल्स इंट्रोडक्शन पार्ट। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ पॉलीनोमियल। तो हमको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि पॉलीनोमियल क्या होता है। तो पॉलीनोमियल्स मीन्स पॉली और नोमियल्स। तो पॉली मतलब बहुत सारा, बहुत, और नॉमियल्स मतलब पद, मतलब बहुत सारे पद, ये कहलाते हैं पॉलीनोमियल। सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+2। तो ये इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं इनको हम पॉलीनोमियल कहते हैं। अब इसमें बहुत से टर्म्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है टर्म्स क्या होता है, कोफिशियंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ये तीन तीन चीज़ें आती हैं पॉलीनोमियल में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, भी हो सकते हैं एक्स वाई जेड, जो मतलब ये टर्म्स, ये जो एक्स वाई जेड जो भी हम लेटर रहते हैं इनको हम वेरिएबल कहते हैं। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है इसलिए इनको हम वेरिएबल कहते हैं, है ना। और कोफिशेंट क्या होता है, जो इससे मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2, 3, कोई भी अपना नेचुरल नंबर है आपका, या रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, है ना, 2, 3, 5, 7 जो भी है। तो ये क्या है, कोफिशेंट। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, टर्म, जैसे 2x, ये क्या हो गई आपकी टर्म हो गई। अब टाइप ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे एक टर्म है जिसमें, तो इसको मोनोमियल्स बोलते हैं। एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, जैसे 2x+3, तो ये बाइनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल्स, तो जैसे 2x² + 3x+4, तो ये क्या हो गया, इसमें तीन टर्म्स है, 1, 2, 3, तो ये क्या कहलाते हैं, ट्राइनोमियल्स। ओके, अब तीन से ज़्यादा टर्म्स हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हम पॉलीनोमियल्स बोलते हैं। अब पॉलीनोमियल वेरिएबल के हिसाब से, वन वेरिएबल में क्या है, 2x² + x+3, तो इसमें क्या है, वेरिएबल क्या है, एक ही यूज़ हो रहा है, तो ये वन वेरिएबल का होता है। ओके, टू वेरिएबल का, तो टू वेरिएबल में मतलब x और y भी हो सकते हैं, जैसे 2x² + 3y+7, तो ये क्या है, इसमें दो वेरिएबल यूज़ हुए। थ्री वेरिएबल का भी हो सकता है, तो थ्री वेरिएबल का ये आपको हो सकता है 2x + 3y + 3, तो ये क्या है, ये भी पॉलीनोमियल है, ये क्या है, थ्री वेरिएबल। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑफ पॉलीनोमियल, जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी वो डिग्री कहलाती है। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x+3, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये लीनियर कहलाता है। कोई इक्वेशन है आपका x² + 3x+2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x की 2 है, तो ये कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, या कौन सा पॉलीनोमियल कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब किसी इक्वेशन की x³ + 3x² + 2x+2, तो ये इसमें क्या है, पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल। इस तरीके से अब बहुत सारी पावर हो सकती है ना, तो ये डिग्री के हिसाब से इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये लीनियर पॉलीनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, और ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है। अब यदि हमें कोई पॉलीनोमियल दिया है, जैसे ये px = हमको दिया है x² + 2x+5, तो हमको x = 2 पर इसकी वैल्यू बताना, तो हम क्या करेंगे, p 2, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2² + 2 × 2+5, तो ये क्या हो जाएगा, 2² = 4 + 2 = 4 + 5, तो 4, 4, 8 और 5, 13, तो इस पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 13।
ओके, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जिस पे पूरा पॉलिनोमियल वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो यदि जैसे हमको पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू दिया है, तो हमको x की ऐसी वैल्यू ढूंढना है इसमें जिसमें ये पूरा वैल्यू पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो यदि हम x इक्वल टू माइनस टू रखें, x इक्वल टू माइनस टू रखेंगे तो क्या होगा, p इज माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस टू। तो माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर प्लस, अब ये माइनस थ्री इंटू सिक्स क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस टू, तो फोर प्लस टू माइनस सिक्स, तो ये हमारा सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू माइनस टू पे हमारा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है, माइनस टू है ना, एक्स इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। हम क्या होता है पी एक्स इक्वल टू डी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जैसे हमारा न्यूमरेशन में जो थ्योरम है डिवाइड करते हैं, जैसे हम फाइव से हमने 16 को डिवाइड किया तो फाइव थ्री या 15 और रिमाइंडर बच गया आपका 1। तो जो हमारा d बराबर क्या होता है, d इंटू क्यू प्लस आर, मतलब ये 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू थ्री प्लस 1। तो 5 3 या 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। यही थ्योरम आपका पॉलिनोमियल्स में भी फॉलो होता है। अब हमें दो फंक्शन दिए हैं या पॉलिनोमियल दिए हैं, एक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन और जी एक्स, दूसरा पॉलिनोमियल दिया एक्स प्लस वन। तो हमको जी एक्स से एफ एक्स को डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। वी राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन देन एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो इसको हमको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी राइट हियर एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो, ओके देन यहाँ पे सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फाइव एक्स माइनस फोर एक्स बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये प्लस का सेवन, ओके। तो अब सेकंड टाइम में हमको यहाँ पे फोर एक्स लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस फोर, फोर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर एक्स प्लस फोर। अब इसको सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये फोर एक्स है तो फोर एक्स कट जाएगा और यहाँ सेवन माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया, ओके। तो इस तरीके से निकालते हैं रिमाइंडर। अब इसी इक्वेशन को या इसी पॉलिनोमियल का अगर हमको रिमाइंडर फाइंड करना है और क्वेश्चन कोई छोटा या ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो एक नंबर का है, तो हम इसका रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि जी एक्स से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम एक्स बराबर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन। तो ये एक्स की वैल्यू हम एफ एक्स में पुट कर देंगे, तो एफ माइनस वन इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस वन प्लस सेवन, ठीक है। तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस फाइव इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस
सेवन, तो सेवन और वन एट, माइनस फाइव इट इज़ इक्वल टू थ्री। तो हमारा रिमाइंडर इससे, इसी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया था तो हमारा आंसर थ्री आया था। तो इस तरीके से भी हम शॉर्ट क्वेश्चन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो था। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।